दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई रेसिपी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पनीर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मजेदार और लाजवाब रेसिपी को तैयार करने के लिए हम ले रहे हैं 250 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च और 3 मीडियम साइज प्याज। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटोरी में 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच चावल का आटा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसके साथ ही हमने दूसरी कटोरी में ले रखा है 1 कप पानी, जिसमें हमने मिला लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च और इसका एक घोल तैयार कर रखा है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं चावल का आटा और मैदा। इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैदा पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब हम इसमें टेक्सचर के लिए ऐड कर लेंगे 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च का घोल और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 बड़ा चम्मच नमक। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर मैरिनेट हो चुका है। अब हम ले लेते हैं बर्तन, उसमें मिला लेते हैं 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें पनीर को सेलो फ्राई कर लें। पनीर को हल्के हाथों से मिला लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। बचे हुए तेल में हम ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिला लेंगे और हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन का कलर गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्यूब शेप में कटी हुई शिमला मिर्च और इसे फुल फ्लेम पर लगभग आधा मिनट के लिए पका लेंगे। आधा मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे क्यूब शेप में कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए फुल हीट पर पका लेंगे। दो मिनट तक पकाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच रेड चिली सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए फुल हीट पर पका लेंगे। लगभग 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेलो फ्राइड पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर, शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए फुल हीट पर पका लेंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाजवाब चिली पनीर की रेसिपी बनकर के तैयार हो जाती है। जैसा कि आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट लग रहा है। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।